आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में औरंगाबाद शहर का नामकरण जो है छत्रपति संभाजी नगर ये करने का फैसला मंत्रिमंडल ने लिया हुआ है। और पिछले 29 तारीख को जो अल्पमत में सरकार थी उन्होंने ये निर्णय लिया था, कल जाकर इसमें कोई क्वेश्चन मार्क निर्माण न हो या लीगल कोई प्रश्न निर्माण न हो, इसलिए आज बाकायदा हम लोगों ने मंत्रिमंडल बैठक में उस निर्णय को लिया हुआ है। छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव ये भी नामकरण दिया है, नाम उसका भी निर्णय लिया हुआ है। और नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम, जो मांग थी लोगों की वहाँ के भूमि पुत्रों की, उसको भी लोक नेता दीबा पाटिल नवी मुंबई एयरपोर्ट विमानतल ऐसा भी नाम देने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल बैठक में ली हुई है। ये निर्णय लिए हुए हैं महत्वपूर्ण। और एमएमआरडीए जो पिछले कई सालों से जो मेट्रो जैसे, फ्लाईओवर जैसे, एमटीएचएल जैसे बड़े प्रोजेक्ट कर रही है उसको किसी भी तरह का दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने 60,000 करोड़ लोन उनको चाहिए था, उसको भी गवर्नमेंट गारंटी आज मंत्रिमंडल में दी हुई है 12,000 करोड़ को पहला फेज में। ये चारों निर्णय हमारे राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फड़नी सर, इसके इधर एक बड़ा सवाल है, महाराष्ट्र के एक आरोपी तिस्ता सीतलवाड ने अहमद पटेल के साथ मिलकर तत्कालीन गुजरात के सीएम को बदनाम करने की कोशिश की और इसके लिए उन्हें 30 लाख रुपए दिए गए थे। आरोपी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती है तो क्या, और फाइनेंशियल ट्रेल भी था, तो क्या महाराष्ट्र सरकार इसकी भी पैरेलल जांच करेगी या फिर गुजरात एसआईटी की जांच में मदद करेगी? देखिए, कोई भी ऑफेंस जब होता है तो एक ही जांच एजेंसी उसकी जांच कर सकती है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किस प्रकार से उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी को बदनाम करने के लिए और देश का नाम खराब करने के लिए एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी, इसका पूरा पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हुआ है। और अब स्वयं कोर्ट ने यह कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए गुजरात की एसआईटी उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस इस जांच में पूरी मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी और इसको लॉजिकल एंड पर ले जाने का जो प्रयत्न है उसमें हम भी मदद करेंगे। तो बता पाएंगे क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि एक दूजे की सरकार है, ये डेडलाइन नहीं बता रहे। अरे अभी उनको जो बात करेंगे उसमें हर सवाल को जवाब देने की हमको जरूरत नहीं लगती है, हम काम करने वाले लोग हैं। आपको पता है ना, हम लोग निर्णय ले रहे हैं लोगों के भलाई के लिए। उनकी लाइन डेड है इसलिए उनको डेडलाइन चाहिए, पर चिंता मत करिए, जल्दी हो जाएगा। सवाल है कि पिछली सरकार को जायका ने खत लिखा था कि प्रोजेक्ट मेट्रो का जो डिले हो रहा है, अगर आपको चाहिए तो हम एक्स्ट्रा फंड्स उसके लिए उपलब्ध करके देंगे, तो आज जो आपने डिसीजन लिया एमएमआरडीए को एक जो नॉट दिए, क्या वो इसी को संलग्न है? हाँ बिल्कुल, वो सब मेट्रो के लिए है। और जो भी बीच में कुछ, अभी मैं उस पर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट जो है रुकेगा नहीं, तेजी से आगे जाएगा। कितना जल्दी है राजेंद्र गांधी? अभी आज तो हम लोग ने उनको गवर्नमेंट गारंटी दी हुई है। राजेंद्र गांधी जी आपके साथ आ चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है, तो और कितने लोग कतार में कब तक आ जाएंगे? किधर कोई राजेंद्र गांधी कहाँ पर आए? अरे वो तो मेरे को मिलने को आया, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो बहुत लोग आते मिलने के लिए।